सेगांव। पुराने पेंशन लागू करवाने की मांग को लेकर निकली पेंशन अधिकार यात्रा पहुंची सेगांव। मुख्यालय पर शनिवार को पेंशन अधिकार यात्रा पहुंची। देवी श्री लाल विश्वी माताजी मंदिर परिसर में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर निकली है ये यात्रा। पेंशन अधिकार यात्रा के दौरान श्री डी के सिंगोर जी द्वारा सेगांव पहुंचकर देवी श्री लाल विश्वी माताजी मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद सेगांव ब्लॉक के शिक्षकों के साथ माताजी प्रांगण में बैठक की गई। आज उनसे समक्ष ब्लॉक सेगांव व TWTA की टीम का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से राकेश पाटीदार को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डी के सिंगोल ने बताया कि पुराने पेंशन को लागू कराने को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अन्य ब्लॉक से होते हुए उज्जैन में समाप्त होगी। उनके द्वारा नई पेंशन योजना को नुकसान वो बहुत पुरानी पेंशन क्यों जरूरी है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। रात्रि विश्राम के पश्चात यात्रा पुनः राजपुर बड़वानी के लिए रवाना होगी। मनावर पहुंचेगी। श्री डी के सिंगोर ने बताया कि यात्रा तब तक निकाली जाती रहेगी जब तक पेंशन लागू नहीं की जाती। मंदिर में कार्यक्रम पे संभागीय उपाध्यक्ष श्री अशोक कुशवाहा, राजपुर ब्लॉक अध्यक्ष केशव यादव, खरगोन जिला अध्यक्ष अतिक खान, गिरधारी पाटीदार लोकेश वर्मा, रमेश पटेल, सतीश पाटीदार, ओंकार पाटीदार, रवि चौहान आदि शिक्षक साथी उपस्थित थे। सेगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट। पेंशन दे रही है तो वो अपने खर्चे और अपने जो एजेंट के अपना कमीशन रहता है वो सब निकाल करके हमको पेंशन दे रही है, जिसको लेकर के हमारे साथियों को जो रिटायर हो रहे हैं 800-1200 रुपए पेंशन बन रही है और इतने कम पैसे में किसी भी व्यक्ति का जो है गुजारा नहीं हो सकता। वो अपने दवाई गोली का खर्चा नहीं निकाल सकता, अपने बिजली का बिल नहीं भर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसको हम बिल्कुल पेंशन नहीं मान रहे हैं। ये पेंशन जो है जो NPS में मिल रही है वो फिक्स भी है, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से ये पेंशन, इसमें 1 रुपए की वृद्धि भी नहीं हो रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो किस उद्देश्य को लेकर के 800-1200 रुपए हमको पेंशन दे रही है। क्या सरकार को नहीं मालूम कि लगातार महंगाई बढ़ती है? ये फिक्स 800-500 रुपए जो है आज 10 साल बाद इसकी क्या वैल्यू रहेगी, जबकि पेंशन वो होती है जो वेतन के आधार पर दी जाती है और महंगाई के साथ साथ उसमें वृद्धि होती है। कर्मचारी के नहीं रहने पर उसके आश्रित को परिवार पेंशन भी मिलती है। ये सब कुछ इस NPS योजना में नहीं है, ये सिर्फ छलावा है। जुआ सट्टा के आधार पर हमारी पेंशन निर्धारित हो रही है, शेयर मार्केट के आधार पर पेंशन निर्धारित हो रही है और बीमा कंपनियां हमको पेंशन दे रही है, इसको लेकर के हमारा घोर विरोध है। और जब तक हमारी ये पुरानी पेंशन की मांग पूरी नहीं होती है हम अपना विरोध हमेशा जारी रखेंगे। सर, यात्रा में कहां कहां के कर्मचारी वगैरह, शिक्षक वगैरह? इसमें अभी तो मुख्य रूप से ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की ओर से ये यात्रा प्रारंभ की गई है। इसमें जितने भी संगठन के शिक्षक के जितने भी संगठन हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे वित्त विभाग हो, पुलिस विभाग हो, आपका स्वास्थ्य विभाग हो, सब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। सबको NPS की खामियां मालूम है, सबको लग रहा है कि इसमें मात्र वेतन का 7% से 10% ही पेंशन बनने वाली है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में वेतन का 50% पेंशन बनती है। तो इस प्रकार बहुत अंतर है, ये सबकी समझ में आ रहा है और सब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। कितने दिनों की यात्रा है सर ये? अभी हमारी 8 दिन की यात्रा है, लेकिन चूंकि अब हमने जो निर्धारण किया था कि शीतकालीन अवकाश में इसको जारी रखेंगे, लेकिन अवकाश शीतकालीन अवकाश सरकार ने बंद कर दिए है, इसलिए हमने यात्रा को संक्षिप्त कर लिया है और हम 1 दिन में जो है 3-3 ब्लॉक को कवर कर रहे हैं। कल विद्यार्थी हित में हम इस यात्रा का समापन करेंगे, लेकिन जब भी हमको अवसर मिलेगा हम पूरे प्रदेश में इसी प्रकार की यात्रा जारी रखेंगे। क्या नाम लिखते हो सर? मैं डी के सिंगोर, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।